क्या होगा अगर एक रुपए की कीमत एक यूएस डॉलर हो जाए? ये कभी ना कभी तो हर एक इंडियन सोच ही लेता है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आई भी तो ये होगा कि जो आईफोन हमें 80,000 रुपए में मिलता है वो हमें 800 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा। पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, हम सभी लग्जूरियस आइटम्स खरीद सकेंगे। पर ठहरिए, ये सब जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, इंडियन इकोनॉमी को एक रुपए एक यूएस डॉलर के बराबर होने से उतना ही भारी नुकसान पहुंचेगा। पर ऐसा क्यों होगा? क्या ये सब सोचना लॉजिकल भी है? आज हम अपनी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर एक रुपए एक डॉलर के बराबर हो जाए तो इससे आम जनता पे, पूरी इंडियन इकोनॉमी पे और फाइनली पूरी कंट्री पे क्या और कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि एक रुपए एक डॉलर के बराबर होने से इसके क्या फायदे होंगे। फर्स्ट, इंडियंस के लिए गुड्स खरीदने सस्ते हो जाएंगे क्योंकि अब इम्पोर्ट प्राइजेस कम होंगे। इंडिया को ऐसा सामान खरीदने के लिए 70 गुना कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। भारतीयों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में सामान खरीदना सस्ता होगा क्योंकि इससे इम्पोर्ट सस्ते होंगे, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सॉफ्टवेयर और वो सभी सामान जो भारत दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है वो बहुत सस्ता हो जाएगा। नंबर टू, लग्जूरियस गुड्स खरीदना सस्ता होगा। हम ब्रांडेड चीज़ें भी सस्ते दामों पर खरीद पाएंगे। जैसे आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा दामों पर बिकने वाला एक आइटम जो कि आईफोन है, वो सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपये में ही मिल जाएगा क्योंकि अमेरिका में आईफोन की कीमत 1,000 से 1,500 डॉलर ही है। नंबर थ्री, पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी चीप होंगे क्योंकि एक डॉलर एक रुपए के बराबर होने से इम्पोर्ट प्राइसेस सस्ते होंगे तो पेट्रोल का प्राइस भी सस्ता होगा। इसका रिजल्ट होगा कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हमारी कंट्री में काफ़ी सस्ते में निपट जाएगा। ये एक काफ़ी अच्छे सिनारियों की तरह दिखता है, लेकिन यह सिचुएशन लंबे समय तक नहीं रहेगी क्योंकि कहानी का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग है। इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। 1986 में जापानी येन की ताकत दोगुनी हो गई थी। तब तक डॉलर वन लगभग 280 येन था और वो अचानक 140 येन बन गया। पर फिर इसी चीज़ ने जापानीज इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया था, जिससे वे कभी भी नहीं उबर पाए। अगर जापान को पता था कि चीज़ें और ख़राब होने वाली है तो जापान ने अपनी करेंसी की ताकत क्यों बढ़ाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जापानीज येन पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जापानीज येन आगे के ईयर्स में बिल्कुल ही नीचे गिरता चला गया। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक रुपए एक डॉलर के बराबर होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ही मजबूत बन जाएगी। जिस दिन एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाएगा, भारत को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए भी हुआ तो भारत को इस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। यही वजह है कि रुपए को ज़्यादा मजबूत ना होने के लिए RBI काफ़ी सावधानी बरत रहा है। ये इंडिया के भले के लिए ही है कि इंडियन रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ज़्यादा है। ये एक्सपोर्ट्स को हाई, वेजेस को हाई और इम्पोर्ट्स को लो रखने में हेल्प करेगा। अब आइए देखते हैं कि अगर एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर वन, एक्सपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर इंडियन रुपी और डॉलर की वैल्यू सेम हुई तो बाकी कंपीटिंग नेशंस जैसे बांग्लादेश, चाइना के मुकाबले इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे। इंडियन एक्सपोर्ट्स अभी रीसेंट ईयर्स में फॉरेन मार्केट्स में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो अगर महंगे हो गए तो कोई कंट्री इंडिया से प्रोडक्ट्स क्यों खरीदना चाहेगी जब बाकी कंपेटिटर कंट्रीज सेम प्रोडक्ट को चीप प्राइस में बेच रही है। सेकंड, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर रुपये डॉलर के इक्वल हो गया तो इंडिया में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्राइमरी रीज़न इंडिया का चीप लेबर कॉस्ट है। फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी अगर कॉस्ट ऑफ लेबर बाकी कंपेटिटर कंट्रीज से ज़्यादा बढ़ गया तो। नंबर थ्री, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सर्विस सेक्टर इंडिया GDP में लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और इंडिया में 27% एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर एक डॉलर एक इंडियन रुपये के बराबर हो गया तो IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, जिसका इन रिटर्न इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो ख़त्म हो जाएंगी। मान लीजिए एक इंडियन IT सेक्टर एम्प्लॉय की सैलरी 75,000 है। अब अगर एक US डॉलर और एक इंडियन रुपी बराबर हो जाए तो क्यों कोई कंपनी किसी इंडियन एम्प्लॉय को $75,000 पे हायर करेगी अगर वो किसी बाहर के इंसान को काम पर रख सकती है जो $3,000 अमेरिका डॉलर
के लिए सेम काम करेगा। आखिरकार लोग नौकरी खो देंगे जिससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नंबर 4, लोग टूरिज्म के लिए आना बंद कर देंगे। रुपए की कीमत बढ़ेगी तो टूरिस्ट का इंडिया आना भी कम हो जाएगा, क्योंकि जहां पहले उन्हें इंडिया में घूमना सस्ता पड़ता था वहीं अब उन्हें काफ़ी महंगा लगेगा। नंबर 5, कंपनीज इंडिया छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगी। जो कंपनीज अभी प्रेजेंटली इंडिया में है वे बाहर जाना शुरू कर देंगी, क्योंकि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इंडिया में 2007 और 2008 के दौरान ऐसे ही सिचुएशन हुई थी, जब डॉलर 40 रुपए के आसपास मजबूत था, तब इम्पोर्ट्स अच्छे थे, लेकिन BPO और IT सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ था। इकोनॉमिक स्लोडाउन, जब पैसा इंडिया में आएगा ही नहीं तो इसका रिजल्ट पूरी तरह से आर्थिक मंदी यानी कि कंप्लीट इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा। अब इसका वर्डिक्ट क्या है? 1 रुपए 1 US डॉलर के बराबर होने की सिचुएशन एक ग्रोइंग या डेवलपिंग कंट्री के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है और एज अ डेवलपिंग नेशन इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने देश में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडियन रुपए की वैल्यू काफ़ी कम है और वो चीप लेबर अफोर्ड कर सके। इंडिया को गुड्स एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे देश में और पैसा आ सके। अभी फ़िलहाल तो 1 इंडियन रुपी 1 US डॉलर के बराबर वाली सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है कमेंट कर ज़रूर बताएं।